जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है, ना सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन प्रदेश भर में, बीजेपी के कार्यप्रणाली लोग देख चुके हैं, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस देख चुके हैं, भाजपा राजस्थान में विपक्ष में क्या किया क्या नहीं किया वो भी देख चुके हैं, जो बिखराव है और जो एक सत्ता में आने की जो वो ललायत है वो जनता देख रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी राजस्थान। पायलट साहब, चूंकि ईडी का भी प्रवेश हो चुका है चुनाव के दौरान, काफी कार्रवाई हो रही है, बीजेपी कह रही है कि यदि भ्रष्टाचार नहीं है तो डरने की बात नहीं, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि ये सब कार्रवाई जो है चुनाव के मतदान से ठीक पहले क्यों आई है? 5 साल से किसी ने कोई कार्रवाई करी नहीं और इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और जानता है। बहरहाल वो केंद्र सरकार में है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक इस बात को जान रही है कि जो चुनाव की हार की डर की वजह से इस प्रकार एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है पब्लिक कांग्रेस पार्टी के साथ। पायलट साहब, एक दूसरा सवाल बड़ा ये था कि बीजेपी ने अब तक टोंक में, सरदारपुरा में और जो प्रमुख जगह है जहाँ पर बड़े कैंडिडेट उतरे कांग्रेस के, वहाँ पर अब तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए, कारण क्या लगता है आपको? ये तो सवाल आप उनसे पूछिए, मैं तो अपना नामांकन मैंने भर दिया, अब जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनसे सामने चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन है, जो निर्णय जनता करेगी उस स्वीकार होगा। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि कांग्रेस ने भी नहीं किया, किस तरह देखते हैं आप इसको? इसमें देखने की बात क्या हो, तो उनका निर्णय बीजेपी का, हमारी पार्टी ने कभी ऐसा ट्रेडिशन भी नहीं रही है, हर स्टेट में हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और जीतने के बाद विधायक सब बैठते हैं, जीते हुए विधायक बहुमत के साथ, फिर नेतृत्व दिल्ली का तय करता है कि किसको आगे करना है। पायलट साहब, अभी आपने कहा कि बीजेपी में काफ़ी फूट है, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, लेकिन सियासी चर्चों में ये भी चलता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है उनके बीच में मतभेद खत्म हो गया, लेकिन मनभेद अभी भी है। ये पता नहीं आप कैसे कह सकते हो, आपने किसके मन में झांक के देख लिया, हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा सामूहिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे पार्टी को दोबारा बहुमत में लेकर आएं, जो हमारी पिछली बार हार हुई थी, जो हम 21 पे रह गए थे, कभी 50 पे रह जाते हैं, उस पार्टी को तोड़ने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे, तभी संभव होगा ना। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, तो उनको तो ये बोलना चाहिए हमारा 5 साल के लिए राजस्थान के लिए विजन है, वो तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को लेकर सामने आते हैं, परफॉर्मेंस और युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया होता तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते, तो मैं उस बात को मानता हूं। एक लास्ट सवाल है मेरा पायलट साहब, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की यदि बात की जाए, आप पीसीसी चीफ थे, उस दौरान अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी के जितने भी गुजर कैंडिडेट थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाया, वापस से चुनाव 5 साल बाद हो रहा है। आपकी जानकारी है कि प्रदेश में हर समाज के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, बिरादरी के 8 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ किसी एक कास्ट, एक धर्म, एक जाति समुदाय की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। पार्टी की विचारधारा होती है और 2 संगठन हैं और जनता को तय करना है कौन सा संगठन बेहतर है। पिछली बार हमने मेहनत कर पार्टी को इस लायक बनाया कि सरकार हम लोग बनाने में कामयाब हुए, दोबारा हमारी वो कोशिश है। तो बीजेपी के तो आरोप लगाते रहेंगे, तो आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो? आपको तो बोलना चाहिए कि 3 तारीख को परिणाम क्या आएगा, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लेकिन पायलट साहब, मेरा सवाल अधूरा रह गया, पूरा नहीं करने दिया आपने। सवाल ये था कि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद फिर जिस प्रकार से 5 साल तक मतभेद चले, खड़गे जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो, तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं, आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को, आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी, पहले बहुमत लेकर आए, जीत जाएं, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी पार्टी का काम है। थैंक यू।